अल्लाह इस वीडियो में बात करेंगे ऑप्टिक नर्व शीट मैनन्जियोमा की विच इज़ अ बिनाइन ट्यूमर राइजिंग फ्रॉम मैनन्जियोथीरियल सेल्स ऑफ एरेक्टनॉइड विलैक ज़्यादातर ये मिडिल एज वुमेन को अफेक्ट करता है दो इसकी टाइप्स होती हैं प्राइमरी और सेकेंडरी जो प्राइमरी टाइप है दैट इज लेस कॉमन देन ऑप्टिक नर्व ग्लायोमा और होता क्या है कि जो अराउंड टू थर्ड्स ऑफ ऑल द दे अराइज फ्रॉम एक्सटेंशन ऑफ प्राइमरीली इंट्राक्रेनियल के इंट्राक्रेनियली कोई लीजन हुआ होगा उसी से फिर ये ऑप्टिक नर्व शीट मैनजियोमासइज करते हैं जो ऑप्टिक नर्व शीट मैंने ऑप्टिक नर्व शीट मैनजियोमास होते हैं याद रखने के दे ग्रो सरकम अराउंड द ऑप्टिक नर्व विदाउट द इन्वेजन ऑफ नर्व टिश्यूज़ ऑप्टिक नर्व शीत मैन ज्योमा कह रहे हैं इसमें ऑप्टिक नर्व की इन्वॉल्व नहीं होगी जो उसकी शीत होती जो है जो आस पास का एरिया होता है दैट इज़ बेसिकली इन्वेडेड एंड दैट इज़ बेसिकली सराउंडड के सर्कम फ्रेंडली ये ग्रो करता है ट्यूमर एंड इट केन ऑल्सो स्प्रेड अलॉन्ग देंथ ऑफ द होल नर्व एंड इट ऑल्सो हैव द पोटेंशियल टू एंटर द इंट्रेकेंडल स्पेस लेकिन ये नर्व को अफेक्ट नहीं करेगा जिस तरह हम सी टी स्कैन में देख सकते हैं कि नर्व नॉर्मल है नर्व के आस पास यह ऑप्टिक नर्व शीत मैनजोमा बन रहा है क्लिनिकल फीचर्स के होते हैं ग्रेजुअल पेनलेस मोनोकुलर विजुअल लॉस होता है एग्जामिनेशन में डिकीस विजन होगा रिलेटिव एफ्रेटुलर डिफेक्ट होगा रिस्ट्रिक्टिव मोटिलिटी मोटिलिटी डिफेक्ट्स मिलेंगे प्रोटोसिस ग्रेजुअल और यूनिलेटरल होगा फंडस एग्जामिनेशन में ऑप्टिक डिस्कवेलिंग ऑप्टिक ऑप्टिक डिस्कवेलिंग ऑप्टिक एट्रोफी और ऑप्टोसिलरी कोलेक्ट्रोल वेसल्स मिलेंगी इन्वेस्टिगेशन में जब सिटीज कराएंगे तो हम थिकनिंग एंड कैल्सिफिकेशन ऑफ ऑप्टिक नर्व मिलेगी विद ट्रैम ट्रैकिंग इन्हेंसमेंट ऑफ द शीत जो उसकी शीत है उसकी ये जो साइन एक होता है दिस इज़ नोन एज ट्रैम ट्रैक साइन ये ट्रैम ट्रैक साइन मिलता है जो कि हमको एम आर आई पर भी मिलता है कि डिफ्यूज़ ट्यूबुलर थिकनिंग ऑफ द ऑप्टिक नर्व शत अगेन याद रखना शीत की इन्वॉल्वमेंट हो रही है ऑप्टिक नर्व इट सेल्फ की इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रही जो नर्व की शीत है उसकी इन्वॉल्वमेंट हो रही है सी टी ए थिकनिंग एंड कैल्सफिकेशन ऑफ ऑप्टिक नर्व विद ट्रैप ट्रैकिंग इन्हेंसमेंट ऑफ द शीत एम आर आई पर डिफ्यूज ट्यूबुलर थिकनिंग ऑफ ऑप्टिक नर्व शीत और इसका यह देखा गया है कि अगर हम एक्साइल व्यू पे देखेंगे तो ट्रैम ट्रैक साइन मिलेगा वेरस कोरोनल व्यू में चेक करेंगे तो हमको डोनट साइन मिलेगा तो डोनट ज़्यादा लोग शौक से खाते हैं डोनट्स याद रख लेना कोरोनल व्यू पर डोनट साइन एक्साइल व्यू पर ट्रैम ट्रैक साइन अल्ट्रासोनोग्राफी भी यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट यह देखी जाती है कि सर्जिकल एक्स अगर तो किसी पेशेंट को ब्लाइंड आई सिवियर प्रोटोसिस और रिस्क को इंट्राक्रीनियल एक्सटेंशन का देन हम उस लेवल उस केस में हम सर्जिकल एक्जिशन पे जाते हैं सो दैट वॉस ऑलरेडी टू ऑप्टिक नर्ट जियो में आई होप इसलिए मैं आ गया हो थैंक यू